अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किचन विद मी, और आज हमारे किचन में बना है बसबूसा। अरेबियन डिश है और सब में बहुत पसंद की जाती है। ये बहुत क्विक और इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें, हमारे आज किचन में जो स्वीट डिश बनी है बसबूसा, वो हमने किस तरह से बनाई है उसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसके अंदर दो अंडे डाल देंगे। वन कप शक्कर है ये डाल देंगे, हाफ कप ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाफ टी स्पून वैनिला एसेंस डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर डाल देंगे। 4 टेबल स्पून ही हमने मैदा लिया है वो इसमें डाल देंगे। 1 कप हमने सूजी ली है, रवा भी बोलते हैं इसे, सेमोलिना भी, वो इसमें डाल देंगे। बेकिंग पाउडर, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। हाफ कप दूध ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर 5 से 7 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए रख देंगे, ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। अब हम इसका शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। एक पैन ले लेंगे और उसमें हाफ कप पानी डाल देंगे, हाफ कप शुगर ऐड कर देंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको थोड़ा पकाएंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। हाफ इसमें लेमन निचोड़ देंगे, या 1 टेबल स्पून आप लेमन जूस डाल दें। शुगर सिरप तैयार हो चुका है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अभी फ़िलहाल साइड पर कर देंगे। इस बैटर को हमने 5 से 7 मिनट के लिए रखा था, अब ये काफ़ी थिक हो गया है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है। अब मैंने ये एक पैन ले लिया है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं ये सारा बैटर इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा टैप कर लेंगे। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसको प्रीहीट कर लिया है। अब हम ये इसके अंदर रख देंगे और इसे कवर कर देंगे, और इसे हम 35 से 40 मिनट के लिए बेक कर देंगे। अवन की टाइमिंग आपको बता देती हूँ, अगर आप अवन में बेक करना चाह रहे हैं तो अवन को आप पहले 180 सेल्सियस पर प्रीहीट करेंगे 5 मिनट्स के लिए, और फिर 180 सेल्सियस पर ही आप इसको बेक कर देंगे 40 मिनट्स के लिए। 40 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे। स्टिक बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब है बसबूसा बेक हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको हमने बाहर निकाल लिया है, अब हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। इसको हमने मार्क कर दिया है। अब जो शुगर सिरप हमने बनाया था वो इसके ऊपर डाल देंगे, गरम गरम पर ही हमें डालना है। सारा शुगर सिरप हमने इसके ऊपर डाल दिया है। अब ये मैंने बादाम लिए हैं जिनको मैंने भिगो दिया था, ये इनके ऊपर रख देंगे। तो तैयार है हमारा बसबूसा, जिसे हम सूजी का केक भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, और चाय के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आता है।
आप लोग ज़रूर इसे बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।